और ईंटे हम लोगों ने चढ़ानी ऊपर शुरू कर दी है। लेंटर को पानी में देखे लगाया गया है, इसकी ये टिप है कि इसके इर्द गिर्द रेत रख के फिर अंदर पानी छोड़ें ताकि पानी इसमें खड़ा रहे। तो ये आपके सामने ज़बरदस्त तराई हो रही है, ईंटों की भी तराई लगाई जा रही है क्योंकि इसकी चढ़ाई शुरू होनी है। फिर जो मीडिया का प्रोजेक्ट है उसके लिए आज हम केबलें लेके आ चुके हैं, क्योंकि केबलों की प्राइसेस भी दिन ब दिन अप होती जा रही हैं। 2100 रुपये का रोल था, अब काफ़ी महंगा हो गया हुआ है। तो ये सारी केबलें डबल स्टोरी 10 मरले की हमारी आई हैं 2,65,000 रुपये की। और भी ये सामान है बीच में, ये बक्स हैं, ये सारी चीज़ें आई हैं, ये दूसरे वाले बक्स भी आए हैं। तो ये है जी हमारा टोटल। यहाँ पर मैं लिंक लगा दूंगा और यहाँ पर पिक्चर भी आपको बता दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने कितने रोल लिए हैं, क्या क्या लिए हैं। ये वेरी कर सकती है हर 10 मरले के घर के हिसाब से जितनी आपने लाइटिंग लगानी हो, लेकिन हम लाइटों का बहुत ज़बरदस्त काम करवा रहे हैं। हमारा 2,65 लग गया। ये डीपियाँ पड़ी हुई हैं 18 ब्रेकरों वाली, ये जो हैं वो आपके 2 किचनों में जो लगने हैं। एग्जॉस्ट फैन वो हैं, वो एक जो है वो पड़ा हुआ है मीटर, 3-फेस मीटर की वो जो है तार है, ये वो तांबे की तार है जो जिसके थ्रू ये वाली तारें डाली जाती हैं अंदर। और ये जो हैं वो स्विच के स्विच, ये जो बोर्ड लगे हुए हैं इसके अंदर लगाने के लिए होते हैं। ये आप हमेशा लोहे के नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, प्लास्टिक के ना लें, प्लास्टिक के टूट जाते हैं, तो हमेशा लोहे के लें। ये 16 गेज वाले हैं, बहुत मजबूत। और वहाँ पर जो हमारी वो लाइटें पड़ी हुई हैं स्टेयर्स के अंदर लगाने वाली, स्टेयर्स के हर स्टेप के अंदर ही लाइट लगेगी। तो ये है जी आज हम लोगों ने ये शॉपिंग की है। फास्ट केबल हम लोग लगवा रहे हैं, पाकिस्तान केबल और भी महंगी थी, फ़र्क ये था तकरीबन 45,000 रुपये का फ़र्क था। फास्ट केबल 45,000 रुपये सस्ती थी और जो पाकिस्तान केबल है वो 45,000 रुपये महंगी है। तो उसका फ़र्क इस वजह से है क्योंकि जो पाकिस्तान केबल है उसमें कोई टैक्स का हिसाब है ऐसा, तो इस वजह से उनकी केबल महंगी है। तो सबसे पहले पाकिस्तान केबल है, फिर फास्ट केबल है, फिर उसके बाद है इंग्लिश है, फिर उसके बाद अगर डाउन जाना चाहते हैं तो AZ है या इनकी लोकल जो बन रही है वो आपको 1,10,000 में भी मिल जाएगी, 1,00,000 में भी मिल जाएगी। तो ये हिसाब किताब है। तो अब देख रहे हैं बॉक्सेस वगैरह, इंशाल्लाह हमारा जो मीडिया का प्रोजेक्ट है उसका ऊपर वाली स्टोरी भी स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके साथ अपने कॉपर का वो भी लिया, प्लेट भी लिया जो अर्थ की प्लेट होती है वो वहाँ पड़ी हुई है। आज ईंटें तकरीबन ऊपर चढ़ चुकी हैं और यहाँ पर जो है वो चुनाइयाँ लगाने का काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये आपके सामने पहले साइडों की वॉल्स लगाई जा रही हैं और फिर जो है वो बकाया काम किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपके ईंटें रखी जा चुकी हैं सारी, इंशाल्लाह तकरीबन 7-8 दिन में ये काम भी मुकम्मल हो जाएगा और फिर ऊपर की लेंटर की तैयारी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ऊपर वाला पोर्शन है जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर सिर्फ आपने दीवारों के ऊपर दीवारें लगानी है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आप दीवारें लगा चुके हैं, उसके ऊपर ही आपने दीवारें लगानी है। तो एग्जैक्टली दीवारों के ऊपर दीवारें आएँगी, लेंटर के ऊपर आप तो दीवार रख ही नहीं सकते क्योंकि फिर मजबूती नहीं होती। तो ये अभी काम लगा हुआ है, इस वक्त बाउंड्रियाँ बना रहे हैं ये। ये थोड़ा सा सीढ़ी का आप लोगों को बता दूँ, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, ये एक बड़ा स्टेप है, एक बड़ा स्टेप बनाया गया, फिर ये एक छोटा स्टेप शुरू हो जाता है। ये बड़ा स्टेप क्यों बनाया गया ऊपर जाके आपको बताता हूँ। ये सारे छोटे स्टेप हैं, फिर ये आ जाता है आगे इस तरह ट्राइंगल वाला स्टेप,
और फिर ये वाला आ जाता है। अगर हम नीचे बड़ा वाला स्टेप ना बनाते तो यहाँ पर भी ट्रायंगल बनना था, तो नीचे बड़ा वाला स्टेप बनाया गया ताकि यहाँ पर ट्रायंगल ना बने। कुछ अंदर भी उन्होंने घर भी अंदर पईयां होईयां ने, वह भी समेटो, इर्द गिर्द भी सारियां छोटे मोटे सब कुछ समेट लो, साफ सुथरा कर लो। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो चुनाइयों का मसाला है ये हमेशा तेज़ रखना, यानी कि तेज़ से मुरादा ज़रा गीला गीला हो, फिर सही पकड़ होती है ईंटों की। और दूसरी बात ये है कि जो संडे लगाएं उसे कहें कि मोटा मटेरियल चढ़ा के संडे लगाएं हमेशा, ये हल्का हल्का पतला पतला लगा देते हैं, तो मोटा हमेशा मटेरियल संडों पर लगवाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। जो हमने दो दो फुट के छेद छोड़ने के बाद दीवार के ऊपर दीवार लगा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा उधर से 2 फुट छेद छोड़ा हुआ है हम लोगों ने, और दीवार के ऊपर दीवार लगा रहे हैं। नीचे जो दीवार है उसके ऊपर ये वाली दीवार लगेगी, तो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि लेंटर दीवार के ऊपर दीवार जोड़नी है, जो नीचे दीवारें आपकी बनी हुई जिस तरह लेंटर के ऊपर, कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं है आपने करनी, जो नीचे दीवार है उसी के ऊपर दीवार आएगी तो मजबूती होगी। यहाँ पर ईंटों वगैरह को गीला किया जा रहा है सही ज़बरदस्त तरीके से। और चुनाई का मसाला हमेशा याद रखें कि तेज़ होना चाहिए, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ एक और टिप, के जिस तरह ये बीम फिल होगा तो इस तरह यहाँ पर आपको चाहिए कि ईंटें इस तरह बाहर निकाल निकाल के दोनों साइडों से इस तरह ही चुनाई करें, क्योंकि जब इसको फिल करेंगे तो सीमेंट साइडों में जाएगा इस तरह करके, और ज़्यादा मजबूती होगी। तो ये इस बात का बहुत ख्याल रखें कि इसी पैटर्न पे बीमों के साथ ईंटें लगनी चाहिए। एक और आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि जो जो बाथरूमों की 4-4 इंच की दीवार है, जिस तरह वो 4 इंच की दीवार है, उसको लगाने से पहले नीचे मसाला डलवाएँ और फिर ऊपर दीवार लगाएं, वरना वो दीवार गिर सकती है। तो लोग क्या करते हैं कि इसी तरह ऊपर लगा देते हैं, या उसका एक और तरीका कार है कि 2 आप रद्दे लगा लें और उसके बाद जो है वो उसको एक दिन सूखने के लिए छोड़ दें, फिर बकाया दीवार लगाएं, वरना दीवार गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर उसके नीचे पहले मसाला डलवाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बाथरूमों के दीवारों के लिए। ये जो है बाथरूम का दरवाज़ा निकाला उन्होंने, और ये मैं इसको कमरे में खड़ा हूँ, ये इसकी लाइन लगा रहे हैं, दूसरा वाला कमरा, ये दूसरा वाला कमरे का दरवाज़ा छोड़ा, ये इस वाला कमरे का दरवाज़ा छोड़ा।